हुकूमत ने तनख्वाहदारों पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया। सिर्फ 50,000 रुपये महाना आमदन वाले इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। 1,00,000 रुपये तक महाना आमदन पर टैक्स 1,250 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। महाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। महाना 2,66,667 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 कर दिया गया। महाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। सालाना 6,00,000 से 12,00,000 कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% हो गया। सालाना 12,00,000 से 22,00,000 रुपये आमदन पर भी टैक्स। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में टैक्सों की भरमार। गैर तनख्वाहदार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स शरह 45% करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 15% और नॉन फाइलर के लिए 45% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी का फैसला। इनकम टैक्स छूट की हद 6,00,000 रुपये करने की भी तजवीज़ दे दी। बजट में 1761 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद। आइंदा माली साल 443 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे करने का प्लान। पर्सनल इनकम टैक्स की मद में 224 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए। सेल्स टैक्स की मद में 450 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद। एक्साइज ड्यूटी की मद में 70 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी नाफिस। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। टैक्स वसूलियों में 3,800 अरब का इजाफा होगा। चेयरमैन एफबीआर जुबैर टवाना की मीडिया से बातचीत। कहा, पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1,800 अरब रुपए के टैक्स जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब के टैक्स छूट खत्म की गई। कस्टम ड्यूटी की मद में 150 अरब की टैक्स छूट खत्म की। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब के टैक्स का बोझ डाला। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब होगा। सरकारी मुलाजिमों और पेंशन के लिए खुशखबरी। तनख्वाहों में 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफा। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमों को तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों की तनख्वाह 20% बढ़ेगी। कम अज़ कम महाना उजरत 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी गई। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आ गया। चीनी, मोबाइल फ़ोन, कपड़े, जूते महंगे होंगे। सीमेंट, सिगरेट, स्टील, शीशा और कागज़ की कीमतों में इजाफा होगा। दरामदी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होंगी। मोबाइल फ़ोन्स पर 18% GST। $500 से जायद के मोबाइल पर 25% सेल्स टैक्स लगाने का ऐलान। फलों और ड्राई फ्रूट की दरामद पर रियायत खत्म। टेक्सटाइल और चमड़े के रिटेलर्स पर GST 18% करने की तजवीज़। कई अशिया पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा और छूट का खात्मा। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और बैटरी सस्ती होने का इम्कान। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर की तैयारी में इस्तेमाल खाम तेल की खाम माल की दरामद में रियायतें देने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना ने फ़रोग के लिए भी इकदामात का ऐलान किया। मछली की फीड और फार्मिंग के सामान की दरामद पर भी रियायतें दी जाएंगी। आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स छूट देने की तजवीज़। कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। अपोजिशन अरकान इजलास के दौरान मुसलसल नारेबाजी करते रहे। जाली हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड बजट नामंजूर के नारे लगाए। जमशेद दस्ती की हुकूमती रुकन से झड़प। अपोजिशन अरकान की बजट तकरीर में मुदाखलत की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ बढ़ने से रोक दिया। वज़ीर आज़म के गिर्द भी हसार बना लिया। स्पीकर ने सिक्योरिटी स्टाफ को ऐवान में बुला लिया। बजट इजलास के बाद वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ज़ाना को मुबारकबाद। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपये मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब। तवानाई के लिए 253 अरब का तरक्याती बजट रखा गया। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब। पानी के मनसूबों के लिए 206 अरब रखने की तजवीज़। सवारी शोबे के लिए 280 अरब। सेहत के लिए 45 अरब। तालीम के लिए 93 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। SDGs के लिए 75 अरब। खुराक को ज़रात के लिए 42 अरब। गवर्नेंस के लिए 28 अरब रखने की तजवीज़।
साइंस और आईटी के लिए 79 अरब, जमशुदा अजला के लिए 64 अरब, आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान के लिए 75 अरब का तरक्याती बजट। जो PSDP होगी तो वो बैठ के तय करनी पड़ेगी, उसमें एतमाद नहीं लिया गया, तो यही बातें हैं कुछ चंद जो मैं पहले दिन से कहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला वापस ले लिया। पार्टी के चंद अरकान की बजट सेशन में अलामती शिरकत, पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की वजह से बजट इजलास ताखीर का शिकार हुआ। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। खुर्शीद शाह ने कहा PSDP के हवाले से वादा पूरा नहीं किया गया। शाजी अमरी कहती हैं वफाकी हुकूमत ने माहदे की खिलाफ वर्जी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तारिक फजल की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, बजट इजलास के लिए मना ली। आइंदा माली साल PSDP का मजमूई हजम 1400 अरब रुपये होगा। वफाकी वजारतों का मजमूई बजट 1041 अरब, वजारत आबी व वसाइल और 259 अरब रुपये रखने की तजवीज़। पार्कों के लिए 35 अरब, रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब, रेलवे के लिए 43 अरब मुख्तस, IT और टेली कम्युनिकेशन के लिए 28 अरब, गजाई तहफ़ के लिए 41 अरब, वजारत सेहत के लिए 27 अरब रखने की तजवीज़। हाउसिंग एंड वर्क के लिए 27 अरब, HEC के लिए 66 अरब, विफाक के सूबाई मंसूबों के लिए 82 अरब रुपये से ज़ायद रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपये के हजम का विफाकी बजट पेश। वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर के मुताबिक FBR के महसूलात का हदफ 12,970 अरब रुपये होगा। नॉन टैक्स आमदनी का हदफ 4,845 अरब मुकर्रर। हुकूमती खराजात का तखमीना 17,203 अरब रुपये होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपये मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 1,014 अरब। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,281 अरब रुपये मुकर। महंगाई से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर, कहा पाकिस्तान को ढांचा जाती असलाहत की ज़रूरत है। हुकूमत की बजाय मार्केट बुनियाद पर चलने वाली मईशत बनाया जाएगा। वसी पैमाने पर निचकारी और रेगुलेटरी असलाहत करना होंगी। गरीब आवाम को टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएंगी। फाटा और पाटा को टैक्स छूट मजीद 1 साल जारी रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने फाइनेंस बिल भी पेश कर दिया। सेनेट इजलास में भी मालियाती बिल की नकल पेश। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अपनी सियासत को कुर्बान करके पाकिस्तान की मईशत को बचाया। मुल्क को मौशी मुश्किलात के मंझधार से निकाल कर इस्तेहकाम की संत में लाए। मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाला। शहदा की बेहरमती की, मजीद कहा हुकूमती मौशी टीम की मेहनत के समरात मिलने लगे हैं, महंगाई में काफ़ी कमी आ गई। तनख्वाह बढ़ाने और निचकारी ना करने का मुतालबा। बजट के मौके पर सरकारी मुलाजिम सड़कों पर निकल आए। तनख्वाहों में इजाफे के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। पार्लियामेंट गेट के सामने रोड ब्लॉक किया। मुलाजिमों ने पाक सेक्रेटरीट के गेट पर भी एहतजाज किया। PWD और PIE के मुलाजिमों का भी एहतजाज। PWD के खात्मे और PIE की निचकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। वज़रा से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म। बिजनेस कम्युनिटी का वफाकी बजट पर मिला जुला रद्द अमल। FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज ने कहा कि 12,220 अरब महसूलात का हदफ हासिल करना मुश्किल है। इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं दिया गया। एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना गलत। तनख्वाहों में इजाफा अच्छा फैसला है। कराची चैम्बर के ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि सेल्स टैक्स की छूट को ख़त्म कर दिया गया। सदर इस्लामाबाद चैम्बर एहसन जफर ने कहा फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर बोले रिलीफ के इकदाम दुरुस्त, ताजरों पर एडवांस टैक्स बढ़ा कर गलत है। बलोचिस्तान चैम्बर, मुल्तान चैम्बर और अंजुमन ताजरान ने बजट मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट में पहली मरतबा बजट के दौरान आयन की खिलाफ वर्जी हुई। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं हुकूमत ने जाली बजट पेश किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना रही है। अली मोहम्मद खान बोले मैंडेट पर डाका डालकर आने वालों ने बजट पेश किया। बैरिस्टर गौहर बोले बजट इजलास की कार्रवाई गैर कानूनी है। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी अवामी जमात है तो बजट की हिमायत ना करे। वजीर अला पंजाब ने वफाकी बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। मरीम नवाज कहती है नवाज शरीफ की रहनुमाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्यादत में मुतवाजन बजट पेश किया गया।
पायदार तरक्की के सफर का आगाज हो चुका है। वफाकी बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की कोशिश की गई, महंगाई में कमी हो रही है। गवर्नर सिद्ध कामरान खान तेसोरी का भी आवाम दोस्त बजट का खैर मकदम कहा। आवाम की उमंगों के मुताबिक बजट दिया गया। कराची में आईटी पार्क के लिए फंड रखना काबिल सताइश है, तनख्वाहों में इजाफा काबिल तहसीन। बजट में सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ की सहाफी बरादरी को मुबारकबाद। कहा, मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी हुकूमत का तारीखी इकदाम है। सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की सेहत और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। पहले मरहले में 5,000 मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में मजीद 10,000 सहाफियों को सहूलत दी जाएगी। पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट आज आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट सेशन आगाज आज दोपहर 2 बजे होगा। इससे कबल पंजाब काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। तर्जुमान वजारत ख़ज़ाना के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। खुराक और ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी। किसानों की मुश्किल दूर की जाएंगी। सोलर सिस्टम्स की आसान दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। तनख्वाहों में मुमकिन हद तक इजाफे को यकीनी बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के खदोखाल, किस पर आएगा टैक्सों का वबाल, किसके मसाइल हल और कौन होगा खुशहाल, मुल्क की मईशत की क्या है सूरत हाल, एक न्यूज़ पर माहरीन का खुलकर इजहार ख्याल। बजट से मुतालिक एक न्यूज़ की दूसरे दिन भी खसूसी ट्रांसमिशन, सीनियर तजियाकारों और माहरीन मईशत की पैनल डिस्कशन, माहरीन के जानदार तबसरे और तजिए, सीनियर सहाफी फाद हुसैन, मोहम्मद मालिक और अजमल जामी की शिरकत, फरवा वहीद, बतूल राजपूत, जुनैरा अजहर और दीगर ने भी शिरकत। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियां तश्कील दे दी गईं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों की तश्कील का सर्कुलर जारी कर दिया। कायमा कमेटी हवाबाजी 19 अरकान पर मुश्तमिल। काबीना कमेटी सेक्रेटेरिएट में 18 अरकान शामिल। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली में 19, तजारत में 20 अरकान शामिल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 21 अरकान और वजीर खजाना पर मुश्तमिल होगी। PAC में मुस्लिम लीग नून के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 6 अरकान शामिल होंगे। सेनेट की कमेटियों के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन के वफद की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात बेनतीजा रही। शिबली फराज और अली जफर ने इसाकडार के चैम्बर में मुलाकात की। तहरीक इंसाफ और हुकूमती टीम का आज दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, रूल्स के मुताबिक कमेटियाँ तकसीम की जाएँ, उम्मीद है तालिबा तस्लीम कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पार्लियामानी कमेटी का इजलास 14 जून को होगा। पार्लियामानी कमेटी इजलास में जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस अकील अब्बासी को भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की मंजूरी दी जाएगी। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की सिफारिश करके मामला पार्लियामानी कमेटी को भिजवाया था। क्रिकेट का बुरा हाल है, सर्जरी कब तक होगी, सहाफी का चेयरमैन PCB से सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, इसके लिए पहले तैयारी करनी होती है। कौमी टीम की कारकर्दगी के बारे में भी सवाल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अभी टीम को खेलने दें, जब खिलाड़ी वापस आएंगे तो देखेंगे।